हेलो हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। आप लोग फ्लाइट्स के इंतजार में थे, तो चलिए, हमारे हरदीप सिंह पुरी ने फिर से एक रिट्वीट कर दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो खाड़ी देशों के लिए इन्होंने कितनी फ्लाइट इसमें लगाई है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना यार। आप लोग कॉमेंट नहीं करते हो तो यार इधर अच्छा नहीं लगता है। इधर अच्छा लगना चाहिए तो आप कमेंट करना चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए और डेली चाइल्ड व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों के लिए कितनी फ्लाइट लगाई है और हरदीप सिंह पुरी ने इसको ट्वीट किया है। तो आपने अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जाइए डेली शाहिर करके सर्च कीजिए ट्विटर में और फॉलो कर लीजिए। आपकी जो भी परेशानी है वहां पर सुना सकते हैं और ट्विटर में हर एक बात सच्चाई मिलती है आपको। और आपकी कुछ परेशानी है तो आप इंडियन एम्बेसी के साथ वगैरह शेयर कर सकते हैं, जाइए ट्विटर पे। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो एयर इंडिया ने भैया लिखा है, देखो ये मैसेज है, एयर इंडिया हरदीप सिंह पुरी ने इसको ट्वीट किया। एयर इंडिया बोलता है फ्लाई ऑल। भैया बहुत सारे लोग फंसे हुए, फंस जाओगे ऐसे फ्लाई ऑल बोलोगे तो। बहुत सारे लोग अभी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं तो इनको अगर लेके जाना है तो ये इतनी फ्लाइटें काफी नहीं होगी, बहुत सारी फ्लाइटें चाहिए। लगता है मेरा कल वाला वीडियो इन्होंने देख लिया इसीलिए ज्यादा फ्लाइट जो है लगा दिया है खाड़ी देशों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। खाड़ी देशों से भारत आने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित संख्या में उड़ाने लगाई गई है। दुबई से 54 फ्लाइटें लगाई गई है, शारजा से 54 फ्लाइटें। तो दुबई के लिए इतनी ज्यादा फ्लाइटें क्यों भाई? सऊदी अरब में बहुत सारे लोग फंसे हुए अभी। अबू धाबी के लिए 37 फ्लाइटें यानी कि 37, मस्कट से 34 फ्लाइट्स, बहरीन से 7 फ्लाइट्स, जिद्दा से 23, जिद्दा यानी कि सऊदी अरब से 23 यानी कि जिद्दा सऊदी अरब से 23, रियाद से सिर्फ 4 फ्लाइटें। शर्म करो यार, रियाद में बहुत लोग हैं। रियाद सऊदी अरब का रियाद कैपिटल सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, बहुत सारे लोग यहाँ सऊदी अरब में यानी कि रियाद में फंसे हुए हैं। तो ये लोगों को लेके चले जाओ प्लीज, ये वीडियो भी मेरा देख लो और ज्यादा फ्लाइटें कर दो, थोड़ा मेहरबानी रहती आप लोगों की। दम्माम से 23 फ्लाइट, वाह, दम्माम से 23, जिद्दा से 23 और रियाद से सिर्फ 4 फ्लाइटें, समझ के बाहर है ये। अनुरोध है कि एयर इंडिया एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस के बुकिंग ऑफिस से संपर्क करें। तो भैया इसका संपर्क करने का नंबर नहीं मिला, अगर मिलता है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर आप अगर देखे हैं तो लिख लीजिए यानी कि देख लीजिए कि आपको संपर्क कैसे करना है। या तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ पोस्ट करूंगा कि आप लोग जो है कैसे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये फ्लाइट के लिए आपको टिकट खुद बुक करना पड़ेगा एयर इंडिया ऑफिस से, आपको कोई एजेंट से बुक नहीं करना, सिर्फ एयर इंडिया वाले ऑफिस से ही बुक करना। इसके दौरान आपको एजेंट लोग फोन करेंगे कि भाई हम एयर इंडिया ऑफिस वाले हैं, ऐसे वैसे करके आपका पैसा उड़ाने की कोशिश बहुत जम के चल रही है, बहुत सारे लोगों की चल रही है और बैंक से भी पैसा उखाड़ने की कोशिश चल रही है, यानी कि चोरी के फेक कॉल आते हैं आपको, तो उससे बचे रहिए। आप सीधा सीधा जा सकते हैं एयर इंडिया के ऑफिस को, वहां से आप बात कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर मैं मिलता है तो यहाँ डालता हूँ या फिर उसके लिए दूसरी कोई वीडियो बनाता हूँ, वेट कीजिएगा। ये वीडियो आपने देखा होगा तो नीचे लाइक वाले बटन को दबा के लाइक कर दीजिए और लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी दबा दीजिए तो आपकी मेहरबानी रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई वीडियो में, जब तक के लिए मां सलाम अल्लाह।